मालिक आपका मेजबान इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की सह पैर 4 बजे से 5 बजे तक। नाजिन इस शो में हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजिन हमेशा की तरह इस बार भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम बिना वक्त जाए के भी कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ। देखते लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं तकरीबन 2.5 साल पहले इधर फ्योंसे वीजे पे इंग्लैंड में आया था, तो फिर मैंने इधर से स्विच किया था स्पाउस वीजे में। ठीक। स्पाउस वीजा मैंने उस दौरान वाइफ तो मेरी काम नहीं थी करती और मैंने भी कोई नहीं किया और हम लोग चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट्स पूरे दबा के 2 साल लिए हम लोगों ने। ठीक। तो अभी सर मैंने अप्लाई किया था ये ILR, तो वो भी वन डे सर्विस में हम लोग गए थे, तो वो ILR तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ही दे दिया था तकरीबन आधे घंटे में। ठीक। तो प्रॉब्लम सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या अगर हम लोग अभी हाउसिंग भी कर लेते हैं तो ये मेरी नेशनलिटी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पहला क्वेश्चन ये। ठीक। सेकंडली इसके लिए फॉर्म कौन सा यूज करना है उसका नाम बताइएगा, और थर्डली मुझे बताइएगा कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स उसके नेशनलिटी के कौन कौन से लगा के भेजने और इसका टाइम पीरियड कितना होता है सर। ठीक थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, क्योंकि आपको इंडेफिनेट मिल चुका है तो अभी आप इमिग्रेशन कंट्रोल से एग्जेम्प्ट हो गए, तो अभी बेशक आप भी बेनिफिट्स लें, हाउसिंग लें, जॉब सीकर लें, या फिर इनकम टैक्स लें, या फिर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लें, उसका आपकी नेशनलिटी के एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही बेनिफिट्स लेने से आपकी नेशनलिटी के एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी आपको तकरीबन 3 साल वेट करना पड़ेगा, जब आपकी एंट्री यहाँ पे हुई थी वहां से जब आपके 3 साल का पीरियड कम्प्लीट हो जाता है फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसमें जो फॉर्म फिल करके भेजना पड़ता है वो फॉर्म AN है, और होम ऑफिस की जो फी है वो 874 पाउंड है, और बुनियादी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ते हैं उसमें आपको अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है, साथ में आपकी वाइफ का पासपोर्ट चाहिए, फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है, और आपकी कोई 3 से 4 माह की बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा जो आपने इंग्लिश एग्जाम किया था B1 का वो चाहिए होगा, और साथ में आपके लाइफ इन द यूके टेस्ट का सर्टिफिकेट। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून सर, मैंने एक सवाल आपसे पूछना है जो कि मेरे दोस्त के बिहाफ पर है, और आप उसका प्लीज मुझे लीगल तरीके से सही जवाब दीजिएगा। जी फरमाए। मेरा एक फ्रेंड है सर, उसने वो स्टूडेंट वीजे पर आया था यहाँ इंग्लैंड में, तो उसने 2.5 साल पहले ब्रिटिश सिटीजन के साथ शादी कर ली, तो उसे स्पाउस वीजा यहाँ मिल गया था। तो उस दौरान क्या हुआ, अभी 5 महीने 6 महीने पहले उसका ब्रेक डाउन हो गया, डिवोर्स हो गया, तो उसने एब्सोल्यूट डिग्री लेके डिवोर्स करके उसी स्पाउस वीजे पर उसने यहाँ एक अनदर ब्रिटिश सिटीजन है लड़की उससे शादी कर ली है। तो अब उसका स्पाउस वीजा 3 महीने बाद खत्म होने वाला है फरवरी या मार्च में, तो उसने मुझसे पूछा है कि आपसे पूछने के लिए कि अब वो इंडेफिनेट लीव उसे मिलेगी उसी 2 साल वाला स्पाउस वीजा था, या उसको दोबारा स्पाउस वीजा 5 साल का मिलेगा, या डिस्कशनरी लीव मिलेगी। तो सर इसका आज तसल्ली से प्लीज जवाब दे दीजिए। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपके फ्रेंड को इंडेफिनेट तो किसी सूरत में नहीं मिल सकता, तो वो कोई कानून नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो अभी अब उनको यही चाहिए कि अगर वो दोनों काम करते हैं हस्बैंड वाइफ और उन दोनों की इनकम मिला के 18,600 से ज्यादा है तो आपका फ्रेंड स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जब वो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो उनको 2.5 या 2.5 साल का पहले वीजा मिलेगा, 2.5 साल के बाद उनके 2.5 साल की एक और एक्सटेंशन होगी, और जब उनको 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद कई नेशनलिटी का चांस बनेगा। तो इस स्टेज पे वो इंडेफिनेट के लिए किसी सूरत में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ना ही उनको अप्लाई करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं एक गल पूछनी सी थोड़े को मलिक साहब। जी फरमाओ। पता है करना सी कि साडे ना पड़ोस च एक लड़की रहंदी, ओदी शादी हुई है, इत्थे पाकिस्तान तो आई है। ठीक। ते वो आई सी स्टूडेंट वीजे ते, पर ओदा जेड़ा खाविंद है वो इत्थे ओदे कोल इंडेफिनेट हैगा। ठीक। ओदा ना वीजा नहीं अप्लाई करदा, मना करदा कि मैं तेरा वीजा नहीं अप्लाई करना। ठीक। ओदी एक कुड़ी भी हैगी। अच्छा। रहंदे कट्ठे ही ने, पर तंग बड़ा करदा ते ओदा वीजा नहीं अप्लाई करदा। ठीक। और जो छोटी बच्ची है उसके पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कर दिया है कि नहीं किया? ओदा पासपोर्ट ते बन गया उना दा, वो कहंदे कि ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया उना दा। ठीक।
पर वो कुड़ी जड़ी है पाकिस्तान तो आई ओदा कुछ भी नहीं अजे ओदे कोल स्टूडेंट वीजा ही हैगा ते वीजा कदों तक है वीजा उना दा हैगा कोई अगले साल तक कहंदी सी कि अगले साल तक हैगा ठीक ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया बिल्कुल अगर तो उनका जो हस्बैंड है वो अप्लाई नहीं करना चाहता या फिर वो सपोर्ट नहीं करना चाहता तो क्योंकि उनकी बच्ची ब्रिटिश है तो बच्ची के ग्राउंड्स के ऊपर वो एप्लीकेशन लगा सकती हैं और बच्ची के ग्राउंड्स के ऊपर उनको यहाँ पे 2.5 साल की डिस्क्रिशनरी भी मिल सकती है तो उनको चाहिए वो फौरन से पहले किसी अच्छे से वकील से जाके मिले उनको बताएं कि इधर इनकी शादी रजिस्टर हुई है नहीं हुई है बच्ची कब पैदा हुई खुद वो काम करती है यूनिवर्सिटी जाती है नहीं जाती और कोई यहाँ पे रिलेटिव है या नहीं है हस्बैंड के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तो नहीं है तो वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के उनको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज करें जिसके बाद वो मफ्त में एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मैं साउथ हॉल से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने असाइलम क्लेम किया था तो मेरे को रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने। अच्छा। और वो उसके बाद उन्होंने डिटेन कर दिया था फिर रिलीज कर दिया था। ठीक। तो अभी 1.5 साल से मैं साइन पे जा रहा हूँ तो मैंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं की है तो मुझे क्या करना चाहिए फर्दर एप्लीकेशन या रेवेन्यू के लिए भेजना चाहिए इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है इस मुझे बताइएगा। ठीक ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया बिल्कुल। आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाके मिले इससे पहले कि आप साइन पे जाए रोमांस वाले आपको वहीं पे डिटेन कर ले तो उनको बताएं कि आप आए कब से यहाँ पे असाइलम किन ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई किया जब असाइलम रिफ्यूज हुआ इधर आपके पास अपील का राइट था नहीं था आपने अपील की तो अपील का क्या आउटकम था तो लास्ट टाइम अगर आपकी अपील कौन सी डिसमिस हुई है आप हाई कोर्ट में गए या नहीं गए तो वो सारे सर्कमस्टांसिस देख के बताएंगे कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। मगर आपके पास अभी दो ऑप्शन है एक तो ये कि आप फर्दर सबमिशन जमा करा सकते हैं दूसरी ये कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा करा सकते हैं तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले वो पेपर वर्क देख के आपको मशवरा देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम दिलीप भाई। वालेकुम सलाम। अदिल भाई अब्दुल कलीम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ठीक थैंक यू। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं सर जी। मैं HSMB पे आया था 2007 के अंदर। ठीक। और 2011 के अंदर मुझे इंडिफेंट मिल गया था जुडिशियल रिव्यू की बेस पर। ठीक। अच्छा 4 ईयर की बेस पर जुडिशियल रिव्यू था और क्या नाम है मुझे लाइफ इन यूके टेस्ट मैंने नहीं किया था। ठीक। और अक्टूबर 2010 के अंदर मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया था और 2012 मैंने उनके इंडिफरेंट के लिए भेजा था। ठीक। और आफ्टर 1 ईयर के बाद उनके इंडिफरेंट लग के आ गया जी। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी मिसेस का नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अगर कर सकता हूँ तो लाइफ इन द यूके प्लस लाइफ इन द यूके टेस्ट प्लस B1 भी करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक। बस मेरा सवाल यही सर जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया बिल्कुल क्योंकि 28 अक्टूबर को हम अपने रूल चेंज कर दिए हैं तभी कानून है कि अगर कोई बंदा अप्लाई करता है नेशनलिटी के लिए तो बिल्कुल लाइफ इन द यूके टेस्ट भी चाहिए होगा और उनको B1 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी एग्जाम भी देना पड़ेगा तो मुझे लगता ही है कि आपकी वाइफ को इंडेफिनेट तो मिल गया है नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले ये दोनों कर लीजिएगा इनके सर्टिफिकेट नेशनलिटी के एप्लीकेशन के साथ जमा करा दें मुझे लगता है कोई वाइफ की नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपसे पूछना चाहता था हमने तीन महीने पहले हमने अप्लाई किया था मैंने अपने वाइफ के स्पाउस वीजा पाकिस्तान में। ठीक। और उसमें ये था कि अभी लास्ट वीक उसको नोटिफिकेशन लेटर आया ब्रिटिश हाई कमीशन से और उन्होंने दो चीजों का एतराज उठाया है एम्प्लॉय लेटर का और बैंक स्टेटमेंट का। ठीक। और जो हालांकि मैंने दो लेटर दिए एक फर्स्ट जॉब का तो कोई मसला नहीं हुआ तो एम्प्लॉय लेटर का और बैंक स्टेटमेंट का उन्होंने ये कहा अगर दूसरी जॉब को जो मेरा लेटर मैंने दिया तो उसका भी मसला कोई नहीं है बिल्कुल जो उनका रूल बता अच्छा। रहा और जो मेरा एम्प्लॉय लेटर है 100% सेम है दोनों की चीजें मतलब सेम टू सेम है। ठीक। और उसका ही कहते हैं कि पता आपने स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखी इसमें नहीं लिखी हुई तो हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है और दूसरी जो बात उनके बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हमने की है उन्होंने ये कहा है कि आपके जो पैसे दूसरी जॉब के आते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके स्टेटमेंट में हालांकि मैंने उनको ये कहा था कि भाई मैं कैश इन हैंड में लेता हूँ वो भी मैंने डिक्लेयर किया स्पॉन्सर लेटर पर भी स्लिप पर भी और इवन एम्प्लॉयर लेटर पर भी। ठीक।
तो उन दोनों इन दोनों चीजों पर उन्होंने इतराज उठाया और अभी मुझे ताल्लुक है मेरे, वो कहते हैं और हमको सबूत नहीं चाहिए, वो चीजें चाहिए जो प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन जो हो वो हमको चीजें चाहिए। ठीक है, तो विद इन तीन हफ्तों का टाइम दिया है, तो अभी मुझे ये समझ जाती है कि अभी तीन हफ्तों का अभी जैदी का हम अब तो एक्सप्लेनेशन लेटर ही दे सकते हैं उनको और चीजें रियल डॉक्यूमेंट तो उनके फोनों के पास ही है। ठीक, तो अभी तीन वीक्स के अंदर हमको जवाब का भी देते हैं, तो और कब तक वो जवाब दे सकते हैं हमको फिर। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी यही है कि आप एक लेटर में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके तीन हफ्ते के अंदर अंदर उनको भिजवा दीजिएगा। प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि जो आपकी दूसरी जॉब है वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, तो वो बेसिकली मौजूद कैश पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उसको वो जेन्युइन नजर से नहीं देखते, क्योंकि पे स्लिप्स तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर तैयार करके भेज दे, मगर उमोज वाले बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप दोनों मंगवाते ही इसी वजह से हैं ताकि वो दोनों रिकनसाइल करके चेक करें कि वाकई आपकी जेन्युइन इनकम है। तो मुझे लगता यही है कि आप उनको पेपर वगैरह भेज देंगे और उमोज वाले आपकी एप्लीकेशन होल्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर कोई मार्च में एक केस है कोर्ट ऑफ अपील में, उधर कोर्ट ऑफ अपील मैटर डिसाइड करेगी जो इनकम का थ्रेशहोल्ड वो क्या होना चाहिए। आइदर इनकम का थ्रेशहोल्ड 18,600 होना चाहिए या फिर 13,500। अगर तो कोर्ट ऑफ अपील डिसाइड करती है 13,500, तो फिर उमोज वाले आपकी वाइफ का केस रिव्यू करके जो कोर्ट की जजमेंट होगी उसकी रोशनी में डिसीजन करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल आप उनको चिट्ठी लिखवा दें और फिर पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मुझे बात करनी। जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ, फरमाए। हाँ जी मलिक साहब, मुझे आपसे पूछना था कि मैं यहाँ से नेशनल हूँ, मेरे पास अपना घर भी है, मैं परमानेंट जॉब है, एम्प्लॉय हूँ एनएचएस में मैं। ठीक है। तो मेरी वाइफ जो जॉब नहीं करती, तो मैंने अपनी सिस्टर ला ब्रदर ला को पाकिस्तान से विजिटिंग वीजा पे बुलाना है। ठीक। तो उनकी बेटी रहती है अमेरिका में, वो एक्चुअली जा रहे हैं जनवरी, उनका मल्टीपल वहां का वीजा लगा, वो जा रहे हैं जनवरी में उसके पास, वो कह रहे हैं सोच रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास स्टे करके फिर अमेरिका चले गए, जब वापसी उनका प्रोग्राम है 10 सितंबर में वापस आने का, वो फिर मेरे पास आपके स्टेट करें चले जाएं। ठीक। तो इसके लिए क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए? ठीक। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, उनको भेजने के लिए। ठीक। मुझे जरा डिटेल में आप बता देंगे कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं विजिटर वीजे के लिए, तो उसमें बुनियादी तौर पे आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, वाइफ के पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, एक आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा, साथ में आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 6 माह की आपकी पे स्लिप्स और जो मकान है अगर मकान आपका अपना है या मार्ग पे है उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर किराए पे है तो टेनेंसी एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको पाकिस्तान भिजवा दें और उनको कहें कि वो एक शॉर्ट फैमिली विजिट के लिए अप्लाई कर दें। तो जब इमिग्रेशन वाले उनको वीजा देंगे तो वो 6 माह का इशू करेंगे, तो वो 6 माह के दौरान कभी भी यहाँ पे आके आपको विजिट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी आई हैव टू क्वेश्चन। ओके। या रिगार्डिंग द B1। ओके। या आई एम एट द स्पाउसेस एट द मोमेंट, नेक्स्ट ईयर I'll be applying for the ILR. Okay. So regarding the spouse visa, I did my life in the UK. Now, the B1 thing is that, actually, I have my postgraduate diploma in business management, level 7 from here in this country. Mm-hmm. So do I need to do the B1? Because on the website it's saying that the degree which is taught in English, but my one is a postgraduate diploma, yes. Level 7. So, is it acceptable or not? And the second question is, regarding the job, do I need to show the job within the last 3 months or last 6 months? Okay, thank you for your call. Well, of course, postgraduate diploma, that is not acceptable. But if you have a bachelor's degree, undergraduate degree, or if you have a master's degree, then of course, you can contact the UK NIRIC. And if UK NIRIC confirm that the degree is equivalent to a UK bachelor's degree, then you don't need the B1, then you will be exempt. If you don't have, or if your degree is not equivalent to a UK bachelor's degree, then better option, you can have an exam and get the B1 language certificate. And regarding your employment, you need to submit 6 months pay slips and then 2 years bank statement for yourself and 2 years bank statement for your husband. Thank you for your call. Nazin badhte hain agle caller ki taraf. Ji farmaiye. Hello. Ji. Assalam alaikum. Walaikum assalam. Main apne friend ke liye matlab question puchna chahti hu ki wo yahan pe student thi, theek hai, wo bhi student aayi hai, unka 8 month ka visa bhi left hai. Theek theek hai, valid hai.
लेकिन वो कॉलेज अटेंड वगैरह नहीं कर रही, तो वो मतलब यहाँ पे किसी के साथ शादी करनी है, उनके पास इंडेफिनेट है। ठीक। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे उनकी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कोई होगा कि मतलब वो कॉलेज नहीं जाती, और शादी के कितने टाइम के बाद उन्हें एप्लीकेशन डाल लेनी चाहिए। ठीक। और कॉलेज उनका अभी लाइसेंस है कॉलेज के पास या रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया है? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने मतलब अभी वो पाकिस्तान भी गई थी, वो दोबारा भी पाकिस्तान से आ गई थी। अच्छा। तो जनवरी में वो पाकिस्तान गई थी, मार्च में वो वापिस आई हैं। अच्छा। तो अभी उन्होंने अपना DVLA वगैरह भी उन्होंने बनवा लिया, बना हुआ है सब कुछ है, तो लेकिन अभी उन्हें कन्फर्म नहीं है कॉलेज की तरफ से। तो वो ये है कि वो रजिस्टर मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या मतलब एप्लीकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब देखिए, उन्होंने स्टूडेंट वीजा लिया था, अब स्टूडेंट वीजा जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई किया था कि उनका टोटल पर्पज यहाँ पे पढ़ना है, उनको इसी ग्राउंड के ऊपर वीजा मिला था। तो अभी वो कॉलेज नहीं जाती तो प्रॉब्लम है, कॉलेज वाले कभी कभार होम ऑफिस को कम्प्लेन कर देते हैं और होम ऑफिस वाले वीजा कैंसिल कर देते हैं। तो बहरहाल उनको ये चाहिए कि अगर वो शादी कर रही है तो फौरन से पहले करे, और जितने जल्दी मुफ्त में स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर दे उतना बेहतर है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ जी। मेरा दो क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन ये है ये कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में होती है, दो बच्चे और मेरी मिसेज हैं। अच्छा। और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ इधर, और उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि 24,800 पाउंड ग्रॉस इनकम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, इस तरह के मेरा जो नेट पे सैलरी है, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, वो 21,000 है, लेकिन मेरा ओवर टाइम और वो सब कुछ मिला के पिछले 1.5-2 साल से वो 26,000-28,000 पाउंड ग्रॉस इनकम है। मुझे क्वेश्चन ये करना है कि जी, और जो कि सैलरी स्लिप पे ओवर टाइम के साथ शो हो रही होती है, तो लास्ट 6 मंथ्स की जो मेरी सैलरी स्लिप्स हैं, अगर उनको सारी ग्रॉस को हम कैलकुलेट करें तो वो जो उनसे वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25,000 हो जाती है। और मुझे ये पूछना, ये मुझे बताएं कि आपके जो लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप है उसमें जो ग्रॉस पे आपको कर रहे हैं तो वो कितनी होती है पर मंथ? जी जी, वो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी जो कट कटा के मुझे आती है जी, वो नहीं नहीं, आपको कट कटा के नहीं, ग्रॉस टोटल पेमेंट आपकी कितनी होती है? जी ग्रॉस वो तकरीबन 26,000 से 27,000 मंथली कितनी होती है? जी मंथली मुझे अप्रोक्सीमेटली 2,000 जी। 2,000 होती है, और ये पिछले 6 माह में आपको 2,000 मिनिमम मिलती है? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली जी। ठीक, तो इसका मतलब आपकी मंथली इनकम, फिर वीकली इनकम 500 पाउंड हो गई ना अप्रोक्सीमेटली? जी बिल्कुल। ठीक 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 है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल नॉर्मल होम ऑफिस वाले इस तरह आपकी इनकम कैलकुलेट करते हैं कि जब आप उनको 6 माह की पे स्लिप्स देते हैं तो वो पे स्लिप्स में देखते हैं कि आपको सबसे कम किस मंथ में पेमेंट हुई है। तो जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपको मिनिमम 2,000 मिलती रही है पिछले 6 माह में, तो वो पे स्लिप एक पकड़ेंगे, उसमें जो 2,000 होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 500 आपकी वीकली इनकम होगी। आप 500 को वो मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो जो भी फिगर आएगी वो समझेंगे कि ये आपकी ईयरली इनकम है। तो मुझे लगता है कि वो जो फिगर होगी वो 24,500 से ज्यादा है, और आप इस तरह फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। तो बेहतर है कि ये सारा पेपर अरेंज करके किसी अच्छे से वकील के पास भी चले जाइएगा, वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर तैयार कर देंगे, साथ में आपके पासपोर्ट की कॉपीज अटेस्ट कर देंगे, और वो फिर ये सारे पेपर आप पाकिस्तान भिजवाएं, और उसके बाद आपकी वाइफ वहां से स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे पास इंडेफिनेट है। अच्छा। तो मैंने ESOL किया हुआ था पहले, तो मैंने बाद में लाइफ इन UK टेस्ट कर लिया। ठीक। तो अभी मुझे वो ESOL जो है वो मेरा वैलिड रहेगा कि मुझे आयल्स वगैरह करने की जरूरत है अभी? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, वो जो आपने ESOL किया था वो सिटीजनशिप कोर्स के लिए था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ESOL अगर करना चाहते हैं तो वो करें, मगर वो इंग्लिश वाला कीजिए, अगर वहाँ पे जो आपका लेवल हो वो B1 के इक्विवेलेंट हो। अगर आप ESOL नहीं करना चाहते, इसके अलावा IELTS भी कर सकते हैं, TOEIC भी कर सकते हैं, पर्सन भी है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की जो आप करके B1 के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए भी फौरन से अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। ठीक, थैंक यू। मैंने ये पूछना था, जो फाइलम के लिए ये इंटरव्यू करते हैं, एक छोटा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू अब इन्होंने करना है। ठीक। तो उसके ऊपर एक ये लिखा नहीं है कि फैमिली को लेके आना है कि नहीं लेके आना, उसका लिखा बच्चे नहीं साल लाने।
ठीक, बच्चे साथ नहीं जाएंगे तो वाइफ फिर जाएगी साथ, एक ये सवाल है, और दूसरा इसके बाद में क्या करते हैं? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, ये अभी आपका सब्सटेंटिव इंटरव्यू है, तो यूजुअली डिपेंड करता है क्लेम किसका है। मुझे लगता है आप और आपकी वाइफ दोनों का क्लेम है, तो बच्चों को कहीं अरेंज करना पड़ेगा, तो आपकी वाइफ को भी जाना पड़ेगा, साथ में आपको भी जाना पड़ेगा। वहां पे आपका एक लंबा चौड़ा वो इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज पूछेंगे कि आप असाइलम किस ग्राउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्या एविडेंस है आपके पास कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपकी जान को खतरा होगा। तो इंटरव्यू के बाद कोई एक महीने दो महीने के अंदर वो यूजुअली डिसीजन दे देते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो तो आपको भी रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, आपकी वाइफ को भी मिल जाएगा और बच्चों को भी मिल जाएगा। अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं तो वो आपको एक डिसीजन इशू करेंगे, उसमें बताएंगे कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करें, मगर वहां पे आपके पास चांस होगा कि आप अपील करें। तो बिल्कुल, अगर आपका कोई वकील है तो उनको भी साथ लेके जाइएगा, तो इंटरव्यू जाके दें और फिर पेशेंटली वेट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ मलिक साहब, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, मुझे ये बताना कि बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप जो ओरिजिनल भेजनी है, फोटो कॉपी करके भेज दो। ठीक ठीक है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली को विजिट पे बुला रहे, तो बिल्कुल आप ओरिजिनल भेजिएगा। जब एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन हो जाएगा तो आपके ओरिजिनल पे स्लिप्स भी वापस कर देंगे और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट भी वापस कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, कैन स्पीक टू मिस्टर मलिक प्लीज? यस, आई एम स्पीकिंग। मिस्टर मलिक, मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहता था। जी फरमाए। मेरे फ्रेंड ने एज अ ब्रिटिश पार्टनर एंड चाइल्ड उसने अप्लाई किया था जुडिशियल रिव्यू के लिए। अच्छा, तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू में राइट ऑफ अपील दे दिया। ठीक, तो मैं पूछना चाहता था, शी इज ब्रिटिश एंड द चाइल्ड इज अ ब्रिटिश, द पर्सन हु इज अप्लाइंग ही इज गॉट नो वीजा, सो व्हाट आर द चांसेस इन द अपील? और मुझे ये बताया, जो आपका फ्रेंड था वो ओवरस्टे हो गया था या क्या था? जी, ओवरस्टे हो गया था। और उसको आए हुए कितना अर्सा हो गया? सॉरी, आए हुए उसको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, कितना देर हुई है? अबाउट 10 इयर्स। 10 इयर्स। और अभी अपील करनी है या अपील करनी है या कर दी है? करनी है। करनी है, ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपके फ्रेंड ने अप्लाई किया था डिस्क्रिप्शन लीव के लिए, होम ऑफिस ने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी और अपील का राइट नहीं दिया, फिर वो जुडिशरी में गए, वहां से जो होम ऑफिस ने दोबारा केस रिकंसीडर किया और इनको अपील का राइट दे दिया अंडर सेक्शन 82। तो अभी फौरी तौर पे वो अपील कर दे, मैटर कोर्ट में जाएगा तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के ऊपर आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर, जो ऑलरेडी हाई कोर्ट से कोर्ट अपील से केसेस आ चुके उनकी बेसिस के ऊपर इनकी अपील अलाउ होनी चाहिए। तो बेहतर है जब कोर्ट से कोई हेयरिंग डेट आए तो किसी बेहतरीन से बैरिस्टर को इंगेज कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि इनकी अपील अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन, यहां पे वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, बिना वक्त जाए के वे कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी सर जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जी फरमाए। मुझको यहाँ आए को ना 12 साल हो गए, लेकिन मेरे पास एंट्री नहीं है, लेकिन मेरे पास 12 साल का प्रूफ है, क्या मैं किसी चीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी पहले अप्लाई कर देना चाहिए था। तो बहरहाल, क्योंकि 12 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं ये किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, वो पेपर वर्क देख के आपको बताएंगे। तो बहरहाल, मेरा यही मशवरा है कि कोशिश करें जितना अर्सा आप यहाँ पे लीगल रह सकें, या कोशिश करें जितने जल्दी आप अपना स्टे यहाँ पे रेगुलराइज करा सकें। अगर तो आप एप्लीकेशन भी तैयार करके होम ऑफिस को भेज देते हैं, फिर जितना अर्सा एप्लीकेशन चलती रहती है, एक तरह से आपका स्टे यहाँ पे लीगल होता है। कल को आपको कोई रोकता है, कोई चेकिंग होती है, तो वो आपको छेड़ते नहीं है। तो आज की डेट में आपको कोई रोके या कोई चेकिंग हो तो फौरी तौर पे आपको डिटेन कर सकते हैं। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा करें, वो सारा पेपर देख के बताएंगे कि आप के कितने परसेंट चांसेस होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक सर। वालेकुम सलाम। मलिक सर, मुझे दो सवाल पूछने थे आपसे। जी। उनमें तो पहला सवाल ये था कि मुझे 7 साल हो गए कंट्री में, मैंने लास्ट ईयर असाइलम अप्लाई किया था। अच्छा। और वो
थोड़े ही महीने के बाद उसका रिजेक्शन आ गया था, तो उन्होंने अपील मतलब अपील भी नहीं जाने दिया फर्स्ट ट्राइब्यूनल पे। उसके बाद हमने फ्रेश केस फ्रेश क्लेम डाला था, जिसको अभी तकरीबन 6-7 महीने हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। मुझे पहली सर ये चीज पूछनी थी, जब मैंने पहले असाइलम किया था उस वक्त मेरा वीजा वैलिड था, मैं PSW पे था, तो अगर मुझे इसी प्रोसेस के दरमियान 10 साल हो जाते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक दफा असाइलम रिजेक्ट हो चुका है, मैंने फ्रेश एप्लीकेशन डाली है, तो मेरा कंटिन्यू लॉन्ग रेजिडेंसी तरफ चलेगा या वो नहीं चलेगा? और दूसरी ये चीज पूछनी थी सर कि फ्रेश क्लेम में ये लोग कितना टाइम ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम में जवाब आ सकता है? और क्योंकि जारी बात है परमिशन ऑफ वर्क भी नहीं है, तो परमिशन ऑफ वर्क कितने टाइम के बाद अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया सर अगर आप बता दें तो। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको चाहिए था कि असाइलम क्लेम करने से पहले किसी अच्छे से वीजे से मशवरा कर लेते, तो अच्छा खासा आपका केस था, आपने खराब कर दिया। तो बहरहाल अभी ये है कि 10 साल की बेसिस के ऊपर तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एक दो असाइलम क्लेम कर दी, दूसरा आपका असाइलम रिफ्यूज हो गया था। तो अभी यही है कि फ्रेश क्लेम का भी मुझे समझ नहीं आई कि आपने किस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया है, और आइदर उमस वाले फर्दर फ्रेश क्लेम आपका कंसीडर कर रहे भी हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर कोई लीगल एब्लिगेशन नहीं है कि वो आपका केस कंसीडर करके आपको डिसीजन दे। आपको चाहिए ये था कि अगर असाइलम आपका रिफ्यूज हो गया था और उनने अपील का राइट नहीं दिया था, तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। तो अभी यही है कि सारा पेपर किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको दिखाएं, वो देख के बताएंगे कि आपके कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस केस में आपकी बात बनेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई के लिए, वो उसके पास अनडेफिनिट है। अच्छा। और वो इंडिया जाना चाहता है शादी के लिए। ठीक। तो वो तीन अलग जगह पे काम करता है, तो उसका वेजिस 1600 पर मंथ होता है, तो वो काउंटेबल होगा तीन अलग जगहों का? ठीक। और उसका ग्रॉस इनकम 1550 पाउंड पर मंथ होता है या इससे कम? वो हो जाता है 1550 ग्रॉस हो जाता है। और पर तीन जगह कितने अर्से, लेकिन से तीन जगह का मिला के हो जाता है। ठीक। और कितने अर्से से काम कर रहे हैं तीन जगह? तीन जगह मतलब तीन दिन यहाँ काम कर रहे हैं, दो तीन दिन वीकेंड में अलग जगह काम कर रहे हैं, एक दिन अलग जगह काम कर रहे हैं। और कितना अर्सा हो गया, कोई 6-8 महीने हो गए काम करते करते? वो इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अबाउट 4-1 महीने हो गए हैं। 4-1 महीने हो गए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपका जो भाई है वो इंडिया जाके शादी कर सकता है, और शादी करने के बाद फिर वो अपनी वाइफ को भी बुला सकता है, मगर उसको बुनियादी तौर पे 6-6 माह की पे स्लिप चाहिए होंगी, और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और तीनों जगह जहाँ पे काम करता है तो उन तीनों एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्मेशन लेटर्स चाहिए, प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और इसके अलावा उसका जो P60 है वो चाहिए होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो आदिल साहब, एक क्वेश्चन था मुझे कि लास्ट ईयर में या 2 साल पहले मेरी बीबी यहाँ वर्क परमिट थी, तो मैं स्पाउस वीजे पे आया था, फिर मुझे मिल गया, मुझे लाइफ इन यूके मैंने पास हमने अप्लाई किया था, दोनों को साथ पे मिल गया। मुझे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर हम ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं अगर, तो मुझे कोई एग्जाम देना पड़ेगा कि सिर्फ हमें बस अप्लाई करना है? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जैसा मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था कि बिल्कुल एग्जाम अप्लाई करना देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 28 अक्टूबर से जो उन्होंने रूल चेंज किए वो हर एप्लीकेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो कि नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेगा या फिर जो कि इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेगा। तो जब आप और आपकी वाइफ दोनों नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो जो लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने पहले किए थे वो चल जाएंगे, मगर आप दोनों को B1 लेवल का एक इंग्लिश एग्जाम देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको साथ दर्ज कराना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने ये पूछना था कि मैं इधर स्टूडेंट हूँ। ठीक। तो मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड वो हंगरी से है, और हम दोनों इकट्ठे लास्ट 6-7 महीने से रह रहे हैं। अच्छी बात है। और वो मुझसे शादी करना चाह रही है, उसकी ऑलरेडी हंगरी में शादी हुई थी, उधर उसका डिवोर्स केस चल रहा है। ठीक। तो उस बेस पे हम कोई मतलब इधर अपना कोई केस सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये काइंडली मुझे बता दीजिए। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर तो आपका स्टूडेंट वीजा करीब ही एक्सपायर हो रहा है
तो फिर तो आप बिल्कुल केस लगा सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों की इंटेंशन है कि शादी रजिस्टर करें, क्योंकि उनकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, इस वजह से आप शादी रजिस्टर कर नहीं पा रहे। तो अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक महीने में दो महीने में खत्म हो रहा है, तो मेरा यही मशवरा है कि आप इस ग्राउंड के ऊपर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। तो जैसे ही उनकी डिवोर्स होती है तो फौरी तौर पे आप यहाँ पे कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपनी शादी रजिस्टर करें। जिस दिन आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद आप यूरोपियन रूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी एक शादी हो गई है यूरोपियन नेशनल से जो कि यहाँ पे अपने टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, वो एप्लीकेशन हम उससे पहले कंसिडर करेंगे और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी आपको 5 साल का वो रेजिडेंस परमानेंट इधर इशू करके देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे ना अपनी फ्रेंड के केस के बारे में आपसे पूछना प्लीज। जी फरमाए। उन्होंने अपना केस जमा कराया था, उनके बच्चों के 7 साल हुए थे और लास्ट ईयर जमा कराया था, लेकिन लास्ट मंथ अक्टूबर में उनको इस रिजल्ट आया। अच्छा, तो अभी उनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके जो वकील है उन्होंने दोबारा रिव्यू या इस तरह से कुछ दोबारा लिखे ना। अच्छा, रिव्यू करें या अपील का राइट दें, क्योंकि उनको अपील का राइट भी नहीं मिला। ठीक, अब उनको ये 3 मंथ वेट करना चाहिए या फिर साथ ही जुडिशियल रिव्यू के लिए करना चाहिए। ठीक, मुझे बता दीजिए। ठीक ठीक है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप देखें जो उनके वकील ने एप्लीकेशन भेजी है दोबारा होम ऑफिस में राइट ऑफ अपील करिए, तो होम ऑफिस के ऊपर लीगल एप्लीकेशन नहीं है कि वो उनको राइट ऑफ अपील दे, ना ही उनके ऊपर लीगल एप्लीकेशन है कि वो उनका केस दोबारा रिकंसीडर करे। तो मेरा ये मशवरा है कि वो किसी अच्छे से वकील के पास जाए, होम ऑफिस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजे, होम ऑफिस को कोई 3 से 4 वीक का टाइम दे, उनको बताएं कि जो उन्होंने डिसीजन किया है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है, क्योंकि एक तो उसमें उन्होंने बच्चों के राइट्स प्रॉपर कंसीडर नहीं किए, इसके अलावा उन्होंने जो हाई कोर्ट के आरआईडी केसेस हैं, कोर्ट ऑफ अपील के केसेस हैं, उनको कंसीडर नहीं किया, और इसके अलावा जारी बात है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इनकी एप्लीकेशन है वो पैराग्राफ 276 ADE के अंदर रिफ्यूज की है, इसके अलावा बाकी उन्होंने जो सर्कमस्टांसिस थे सेक्शन 55 था, बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट था, वो कंसीडर नहीं किया। तो अगर तो 3 से 4 वीक में होम ऑफिस से कोई रिस्पांस आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो इस मैटर को हाई कोर्ट में लेके चले जाएं और जुडिशियल के जरिए इसको चैलेंज करें। तो अगर मैटर हाई कोर्ट में चला जाता है फिर वहां पे होम ऑफिस के ऊपर लीगल एप्लीकेशन होता है कि या तो वो इनके केस को रिकंसिडर करके अपील का राइट दें या फिर इनके केस के खिलाफ हाई कोर्ट में डिफेंस फाइल करें। तो जब वो डिफेंस फाइल करते हैं फिर एक जज इनका केस डिसाइड करता है, डिसाइड करके बताते हैं कि इधर इनके जुडिशियल को परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इनको करना चाहिए, जो रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन है उसको ज्यादा देर वेट ना करें, क्योंकि अगर तो 3 माह से ज्यादा टाइम निकल जाता है तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करने में मुश्किलात का सामना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। नमस्कार मालिक साहब। नमस्कार। हाँ जी, हमारे पास ना मतलब वीजा था इसका, अपना डिपेंडेंट वीजा था। अच्छा, तो ये ना 1.5 साल हो गया, ओवरस्टे हो गए हम। अच्छा, तो फिर ना अक्टूबर में हमारे घर इमिग्रेशन का छापा पड़ा था, तो वो उन्होंने साइनों पर लगा दिया। ठीक, तो अब इसके बारे में पूछना था अभी क्या करें। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको बताएं आप कब आए थे, किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, किस ग्राउंड के ऊपर आपने ओवर स्टे किया। तो देखें कोई आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन अगर बनती है तो वो तैयार करके होम ऑफिस को भिजवा दें, क्योंकि अगर तो आप एप्लीकेशन भेज देते हैं तो फिर आप यहाँ पे लीगल रह सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नहीं भेजते तो होम ऑफिस वाले यही करेंगे कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे या फिर पासपोर्ट अरेंज करेंगे। जिस दिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट अरेंज हो गए तो उन्हें आपको डिटेन करके टिकट दे देनी है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदिल भाई, 2 सवाल हैं छोटे। ये 10 ईयर की बेसिस पे मैं आया था लंदन में 23 दिसंबर 2003 को। ठीक, तो अगले 23 दिसंबर को 10 साल हो जाएंगे, लेकिन अब मेरे पास वीजा है अभी वो खत्म होना है एंड ऑफ फरवरी 2014 तक का है। ठीक, तो मैंने पूछना था कि मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ ILR, अपने वीजा खत्म होने का वेट करूँ या दिसंबर में अगले महीने अप्लाई करूँ। ठीक, इसका फॉर्म कौन सा है और कौन से पेपर्स की जरूरत है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको तो फौरी तौर पे अप्लाई कर देना चाहिए जिस दिन आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं, जो कि दिसंबर में हो जाएंगे। जनवरी फरवरी तक तो वेट करना आप अपना टाइम ही खराब करेंगे।
तो बहरहाल जब एप्लीकेशन करते हैं जो फॉर्म फिल करना पड़ता है वो सेट एल आर करना पड़ता है। होम ऑफिस की जो फी है वो 1011 पाउंड है। बुनियादी तौर पे आपको अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट जमा कराना पड़ेगा, साथ में B1 का जो इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा वो जमा कराना पड़ेगा, और आपके 10 साल के पासपोर्ट चाहिए। इसके साथ अपने को 3 से 4 माह की बैंक स्टेटमेंट जमा करा दीजिएगा। अगर आप काम करते हैं तो 3-4 माह की पे स्लिप और P60s। तो ये जब डॉक्यूमेंट आप जमा करा देंगे होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंसी के रूल के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर उनको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो आपको आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आपकी का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। देखिए, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मेरे पास यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पास एक्चुअली PSW वीजा है जो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रहा है। अच्छा। अब मुझे ये मालूम करना था कि मुझे स्विच करने के लिए, जैसा कि मालूम है कि टियर 2 में जाना है, लेकिन वो हमारे पास अभी चांसेस कुछ नजर नहीं आ रहा है इस स्पॉन्सरशिप का। दूसरा, या फिर हम एंटरप्रेन्योर पे जाए, वो भी अभी फिलहाल हमारे पास कुछ नजर नहीं आ रहा है वो सारा। अब मुझे ये पूछना है कि मेरे यहाँ बच्चे हैं 4 जो कि पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो मेरे लिए क्या ये क्राइटेरिया बनता है कि मैं आर्टिकल 8 पे जा सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ये US बॉर्न है। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप ये बताएं कि अगर मैं लास्ट के इस पे जाती हूँ तो कितना टाइम मुझे मिल सकेगा और कितना टाइम तक ये निपटा देते हैं इस तरह के केसेस पे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये नहीं पता चल सका कि आपके बच्चों को यहाँ पे आए हुए कितना अर्सा हो गया। तो बहरहाल बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि टायर 2 के ऊपर आपको मुश्किल हो रही है, एंटरप्रेन्योर के लिए भी मुश्किल हो रही है, इसके अलावा फिर या तो अगर आप स्टूडेंट पे स्विच करना चाहते हैं स्टूडेंट पे कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट पे नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि आप आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, बच्चों के ग्राउंड्स के ऊपर, सेक्शन 55 के ऊपर, बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा कराएं। अगर तो आप इस तरह की एप्लीकेशन जमा कराती हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, कोई महीने के अंदर अंदर आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह हो जाएंगे और 3 से 6 माह के अंदर अंदर डिसीजन हो जाएगा। तो अगर तो होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देंगे तो फिर वहां पे आपके पास अंडर सेक्शन 82 अपील का राइट होगा। अगर आप अपील करती हैं तो उधर कोई 6 माह 7 लग सकता है। तो बेहतर किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपने सारे पासपोर्ट वगैरह दिखाएं, वो देख के बता देंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके एप्लीकेशन अप्रूव हो। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैंने मेरा BRP हो गया था कोई 7-8 महीने पहले। अच्छा। उसमें एक मिस्टेक थी, मैंने उसको नोट नहीं करा, राइट? तो उसके बाद अभी जो वो मैंने अभी नोट करके तो होम ऑफिस वालों को भेज दी है, तो अभी उनके उन्होंने लेटर भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट लेटर। तो इसमें कितना टाइम लग गया था सर, बहुत टेंशन हो गई। आपने किस बेसिस के ऊपर अप्लाई किया था? वो मेरे बच्चों के साथ केस हुआ था। अच्छा, 7 साल के ग्राउंड के ऊपर? जी जी सर जी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको पहली बात है टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। फिलहाल आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले कंसीडर कर रहे हैं, बर्डन होम ऑफिस के ऊपर है कि वो डिसीजन करें। फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते, आप पेशेंटली वेट करें। जितना केस आपका ज्यादा चलता है उतना बेहतर है, तो अब थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है आइंदा कोई आने वाले 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपके केस में डिसीजन हो जाएगा। अगर तो वो स्टे दे देते हैं तो वो फिर 2.5 ईयर की, 2.5 साल की सार को डिस्क्रिप्शन लीव देंगे। अगर तो वो केस रिफ्यूज करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसके खिलाफ या तो अपील कर सकते हैं या फिर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। फिलहाल मेरा ये मशवरा कि आप पेशेंटली वेट करें, जैसे ही कोई आउटकम आएगी तो फिर किसी ऐसे से वकील से जाके मशवरा ले लीजिएगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मैं इधर 12 साल से हूँ इधर। अच्छा। और मैंने बच्चे के बेस पे केस डाला था, वो तो फिंगरप्रिंट हो गए करीबन 6 माह के ऊपर गए, 7 माह चल रहा है। अच्छा। और अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे केस चेंज करना चाहिए या? और दूसरी बात सर कि आजकल ये सुनने में आया कि कोर्ट के अंदर भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप ये इस केस में बारे में जरा बता सकते हैं कि आप भी कोर्ट में जाते हैं तो मतलब आजकल क्या रिजल्ट दे रहे हैं, प्लीज जरा बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए, पुश करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही स्टेज पे जरूरत है। तो अगर तो कल को वो एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले आपकी रिफ्यूज कर देते हैं तो बिल्कुल आप कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में आपके केस के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आपको आए हुए यहाँ पे खुद 12 साल हो गए और बच्चों को 7 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, तो बिल्कुल आपका
राइट यहाँ पे बनता है। तो फिलहाल पेशेंटली वेट करें, जैसे ही डिसीजन आता है किसी अच्छे से बी से मशवरा सलाह कर दीजिएगा, वो फिर बताएंगे कि इसको आप हाई कोर्ट में किन किन ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, नजर बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरा एक कजन है, अच्छा, वो स्टूडेंट वीजा पे है इस मुल्क में, और उसकी जो कॉलेज है तकरीबन 8-9 माह पहले बंद हो चुकी है। ठीक। अभी अब वो मैरिज करना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक। तो वो क्या मैरिज के लिए मतलब अप्लाई, मतलब जो स्पाउस वीजा होता है उसपे वो अप्लाई कर सकता है, या मतलब जो मैरिज रजिस्टर पे भी अप्लाई कर सकता है मैरिज के लिए? ठीक 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 है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, मैरिज वो रजिस्टर कर सकता है, वो हर किसी का बुनियादी हक है। वैसे किसी के पास इधर पेपर हो, वीजा हो ना हो, जो भी यहाँ पे शादी रजिस्टर करना चाहता है तो वो एक बुनियादी हक है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। तो बिल्कुल, जो आपका कजन है या जो रिलेटिव है वो शादी फौरी तौर पर रजिस्टर कराए, जैसे शादी रजिस्टर करा लेता है उसके बाद फिर वो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करे। अगर स्पाउस वीजे की रिक्वायरमेंट्स ये नहीं मीट करता तो फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलिक साहब? ठीक हैं? बिल्कुल जी ठीक ठाक। मलिक साहब मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो स्टूडेंट वीजे पे है। अच्छा। उसकी जो एंगेजमेंट हुई है वो ब्रिटिश नेशनल लड़की से हुई है, लेकिन वो जर्मनी में पैदा हुई है, शी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जर्मनी। ठीक। सो मैं काइंडली आपसे पूछना यह चाह रहा था कि उससे जब हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं शादी की यहाँ पे, तो हमें यूके लॉ के जरिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या यूरोपियन हमें लागू होगा? ठीक। और वो जो उनकी वाइफ है वो रहती किधर, इधर रहती है या जर्मनी रहती है? वो जर्मनी ही रहती है, वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़ रही है। और नेशनलिटी उनके पास ब्रिटिश है? जी नेशनलिटी ब्रिटिश है, बिकॉज उनकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, शादी तो यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे, शादी के बाद जो भाई एप्लीकेशन मुफ्त में लगा सकता है तो वो यूरोपियन लॉ के अंदर तो नहीं जमा करा सकता, वो डोमेस्टिक लॉ जो अंडर इमिग्रेशन रूल्स है उनके अंदर एप्लीकेशन जमा कराएगा। उसकी एक बंदी बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ब्रिटिश नेशनल हो वो यहाँ पे सेटल्ड हो और उसकी इनकम यहाँ पे 18,600 होनी चाहिए, तो उसमें लॉन्ग टर्म आपको जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूरोपियन लॉ के अंदर एप्लीकेशन नहीं जा सकती, क्योंकि यूरोपियन लॉ के अंदर तभी एप्लीकेशन भेज सकते हैं जबकि स्पॉन्सर या कोई फैमिली मेंबर यूरोपियन नेशनल हो, तो क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल है तो यहाँ पे डोमेस्टिक लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे भाई आपसे ये पूछना था, ये मेरा जो वीजा था ना, मुझे 3 साल का मिला था। ठीक। मुझे वीजा मिला था, मेरी यहाँ पर बेटी पैदा हुई थी उसके तहत मुझे वीजा मिला था। ठीक। तो मेरा वीजा 2050 में फिनिश होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? और आप आई कब थी यहाँ पे? आपको आए हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, और ये पहली दफा आपको 3 साल का वीजा मिला था? जी। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी 2015 में आपको फर्दर 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, और जब आपके 6 साल टोटल वीजे को भी कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको इंडेफिनेट मिल सकता है। तो 2015 में मुझे नहीं लगता आपके केस में या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। जब भी अप्लाई करेंगी तो उस टाइम जो वैलिड फॉर्म होगा वो फिल करके भेजना पड़ेगा, जो अमाउंट उनकी फी होगी वो पे करनी पड़ेगी, साथ में आपके बच्ची है स्कूल जाती होगी तो उसके स्कूल के पेपर वगैरह लगा दीजिएगा, अगर आप खुद काम करती है तो अपनी पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट। आपकी कॉल का शुक्रिया, नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि मैंने 2011 के अंदर जो है वो पाकिस्तान से वीजा लिया टियर 2 के अंदर मैं यहाँ आया हूँ। ठीक। तो मेरे वीजे के लिए जो है वो इंग्लिश सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड था B2 का। ठीक। तो मैंने वहाँ उस वक्त पियर्सन से टेस्ट जो है वो क्या है पास किया, तो जू ही मैं यहाँ आया तो 5-6 महीने के बाद कराची से जहाँ मैं अपेयर हुआ था उस सेंटर को उन्होंने, जिन्होंने एक साल पिछले साल में उन्होंने इम्तिहान दिए थे, सबके सर्टिफिकेट को उन्होंने रिवोक कर दिया जी। ठीक। और उसके बाद जनाबे वाली उन्होंने वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो उनके बकौल पियर्सन के कि जी हमने एम्बेसी को सेंड कर दी है कि जी इनके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ठीक।
तो अभी मीन वाइल तो मैं 2-3 दफा मैंने सफर किया है, मुझे तो रास्ते में मतलब दौरान ट्रेवल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं पेश आई। अभी एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त देनी है, अभी मैं मतलब डाउट में हूँ इस परेशानी में कि आया, क्योंकि उनको पता तो किया गया, तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं क्या किया जाए जी? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी कुछ नहीं करने की जरूरत, ना ही कोई किया जा सकता है, तो फिलहाल आप पेशेंटली वेट करें, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको कोई इंग्लिश का सर्टिफिकेट साथ लगाने की नहीं जरूरत, क्योंकि आपने इनिशियल एप्लीकेशन के टाइम अपने एप्लीकेशन जमा कराया, सर्टिफिकेट साथ लगा दिया था जब के होम ऑफिस ने, उस टाइम आपको 10 पॉइंट्स भी इंग्लिश लैंग्वेज के दे दिए थे। तो अभी तो आप नॉर्मल रूटीन में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, अगर होम ऑफिस को क्लैरिफिकेशन लेनी हो या फिर अगर उनको कोई नया इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो फिर आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे, वरना आपको कोई फिक्र या करने की नहीं जरूरत, ना ही इस टाइम आप कोई एक्शन ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी, मैं पूछना सी जिद्दा ना कि मैं ह्यूमर आई बेस ते केस लाया दा वा ना। ठीक। ते 2002 विच मैं आया सी, असि मेरी माई वाइफ भी नाल ही रहंदी आ। अच्छा। ओ स्टूडेंट आई सी, असि मैरिज करा ली सी इत्थे जिद्दा गुरुद्वारे विच। ठीक। ते हुण असि वकील कीता दा वा, ते उस 8 महीने हो गए केस लगे नू। अच्छा। ओ कहंदे सी कि असि इमीग्रेशन तो साइड ते लै के ते असि हाई कोर्ट च अपील करके इदा केस जित करदे हुंदे ना। अच्छा। ਠੀਕ। ਮੈਂ 2002 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੈਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਵਾਈਫ? ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੈਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਈਫ ਕਬ ਆਈ ਸੀ? 2002 ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਬ ਆਈ वाइफ? 2007 में आई थी। 2007 में आई। ठीक। और अभी फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गया है? बायोमेट्रिक्स? फिंगरमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक तो नहीं, फिंगरप्रिंट जाके करवाए हैं। ठीक। उन्होंने रिफ्यूजल भेजी थी, हमने उधर उसको दोबारा अपील नहीं करते। अपील किया है। ठीक है। तो अभी कोर्ट से कोई लेटर आ गया? अभी उसकी वेट कर रहे हैं। कोर्ट से कोई चिट्ठी आई है कि कोई नहीं आई अभी तक? तो कोई अभी वेट क्यू में लगा हुआ है ना, केस की अपील का, अपील के लिए भेजा, 8 महीने हो गए। अच्छा। तो कोर्ट से अभी तक कोई लेटर नहीं मिला? कोई लेटर नहीं मिली हमको। ठीक ठीक है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा करें, क्योंकि नॉर्मल अगर केस आपका हाई कोर्ट में चलता हो तो कोर्ट फौरी तौर पे पेपर दे देता है कंफर्मेशन के आपका जुडिशियल रिव्यू क्लेम रिकॉर्ड हो गया और आपका केस कोर्ट में चल रहा है। तो क्योंकि आपको कोई चिट्ठी वगैरह नहीं मिली तो कोई पता नहीं है कि इधर आपका केस कोर्ट में है कि नहीं, या फिर माइंड भी जो आपके वकील होंगे उनने हाई कोर्ट के बजाय होम ऑफिस में दोबारा एप्लीकेशन भेज दी हो रिकंसिडरेशन के लिए, उसका नॉर्मल जवाब आता ही नहीं है। तो किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा सलाह करें, वो सारा पेपर देख के बताएंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे स्टे मिले, और वो ये भी देख के बताएंगे कि अगर आपकी कोई अपील या हाई कोर्ट में केस चल रहा है या नहीं चल रहा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।